अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मरियम नूर, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन फ्रॉम अल खलीज क्लिनिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे वो कॉमन सवाल जो कि पेशेंट रिलेटेड टू लाइपोसक्शन हमसे पूछते हैं। सबसे पहला सवाल जो कि हमारी प्रैक्टिस में आता है वो ये है कि लाइपोसक्शन से कौन से एरियाज टारगेट किए जा सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप इसमें चिन कर सकते हैं, इसमें नेक का एरिया आ सकता है, इसमें अपर आर्म आ सकता है, इसमें बेली का एरिया आ सकता है, सैडल बैग्स आ सकते हैं जिनको आम जुबान में लव हैंडल्स भी कहा जाता है, थाइस में के एरिया से हो सकता है, नीज के एरिया से हो सकता है, बटिक्स के एरिया से भी हो सकता है। सो प्रैक्टिकली एनी एरिया जो कि एक लोकलाइज फैट डिपॉजिट का एरिया है जहां आप टारगेट नहीं कर पा रहे हैं वो लाइपोसक्शन के जरिए हम ट्रीट कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन ये होता है कि कितने केजीज या कितने किलोज हम अपने वजन में से घटा सकते हैं। लाइपोसक्शन के प्रोसीजर से केजीज पे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होता है। अगर आप इसको कंसिडर करें तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि अगर बेली की लाइपोसक्शन हो रही है तो आप आराम से 2 to 3 inches अपनी वेस्ट से लूज कर सकते हैं जिससे बॉडी शेप में आ सकती है, आपका कॉन्टोर इम्प्रूव हो सकता है। तीसरा सवाल जो मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है कि कितना लीटर फैट निकाल सकते हैं। ये सवाल बेसिकली डिपेंड करता है कि आप में कितनी फैट डिपोजिशन है, लेकिन अगर हम एक जनरल रूल देखें तो एक सेशन में 5 liters से ज़्यादा फैट निकालना काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है जिससे आपकी हेल्थ पर बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ऑन एन एवरेज 5 liters फैट एक सेशन में निकाला जा सकता है। एक और सवाल कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इमीडिएट होते हैं और क्या वो परमानेंट होते हैं। देन येस, इसके रिजल्ट्स इमीडिएट इन टर्म्स इस तरह होते हैं कि यू कैन डेफिनेटली अप्रिशिएट अ शेप एंड कॉन्टोर का डिफरेंस इन योर बॉडी। और दूसरा, इसके रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं प्रोवाइडेड कि आप अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल और एक्टिविटी को मेंटेन करके रखें। एक और सवाल कि क्या लाइपोसक्शन एक सेफ प्रोसीजर है। देन येस, लाइपोसक्शन बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन आर टेक्निक्स और एडवांसमेंट हॉस्पिटल केयर के अंदर और आपके एनेस्थीजिया के एडवांसमेंट की वजह से लाइपोसक्शन हैज़ बिकम अ वेरी सेफ प्रोसीजर जिसमें एज सच कोई कॉम्प्लिकेशन रेट नहीं है। अनदर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि इसका रिकवरी टाइम कितना है, आप कब अपनी फिजिकल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। तो इसका रिकवरी टाइम इज़ नॉट वेरी हाई, तकरीबन 2 to 3 weeks में आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। यू हैव टू ग्रेजुअली इम्प्रूव योर एक्टिविटी ताकि आपकी डिस्कम्फर्ट लेवल के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। ये थे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट लाइपोसक्शन। अगर लाइपोसक्शन के प्रोसीजर के हवाले से आपकी कोई और क्वेरीज हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमें कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।